बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि संख्या रेखा की मदद से हम पूर्णांकों की जमा और घटा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि एक संख्या रेखा के अगर हम दाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती हैं, और अगर हम संख्या रेखा के बाईं ओर जाते हैं तो संख्याएं घटती हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर आपने कोई संख्या को जोड़ना है तो आप ज़ीरो के दाईं ओर जाओगे, और अगर आपको किसी संख्या को घटाना है तो ज़ीरो के बाईं ओर जाओगे। तो हम इस पॉइंटर की मदद से हम जमा और घटा करेंगे। कैसे? जैसे आप पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है -5 + 4। -5 पे पॉइंटर को लेके जाइए, -5। इसमें हमें 4 जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 4 स्टेप आगे जाएंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो ये हम पहुंच गए हैं किस पे, -1 पे। तो आंसर आ जाएगा -1। इसी प्रकार अगर हमें -3 में 4 जोड़ना हो, ये देखिए पॉइंटर पे ले आइए, -3 पे ये। अब इससे 4 स्टेप आपने दाईं ओर जाना है, ये ध्यान रखना है, अगर हम जोड़ रहे हैं तो हम दाईं ओर जाएंगे। 1, 2, 3, 4। तो आप किस पे आ गए हैं, 1 पे, प्लस के 1 पे। इसके बाद हम एक घटा वाली रकम ले लेते हैं, 5 - 6। तो पॉइंटर लेके जाइए कहाँ, 5 पे। तो 5 पे पॉइंटर लेके जा रहे हैं, हमने 6 घटाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपका आंसर आ गया है -1।